धनबाद में गिरते कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया। वहीं इस दौरान झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धरना पर बैठे नेता और कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज राज्य विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। पूरे प्रदेश में भाई और आतंक का वातावरण है। बलात्कार, महिला अत्याचार और हत्या की घटना चरम पर है। वही धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह ने कहा कि झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार के 10 महीने के कार्यकाल में राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो चुका है। अगर हम झारखंड प्रदेश की आंकड़ों की बात करें तो हेमंत सरकार में अब तक पूरे प्रदेश भर में लगभग 12 से बलात्कार की घटनाएं घटी है। वही कोयलांचल में वर्चस्व को लेकर प्रतिदिन घटनाएं घट रही है, हत्या हो रही है और सरकार पूरी तरह से खामोश और सोई हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे कोयलांचल में एक भाई का माहौल बना हुआ है। लोग अपने घरों से निकलने से डर रहे हैं। व्यवसायी वर्गों को लगातार अपराधियों के द्वारा टारगेट बनाया जा रहा है। ऐसे में इस सरकार को राज्य करने का कोई अधिकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। के खिलाफ बैठे हैं, जगह जगह कैंडल मार्च भी हम लोग करवा रहे हैं। आज शाम को भी एक बार रणधीर वर्मा मंच चौक पर कैंडल मार्च किया जाएगा और हम यही कहना चाहते हैं, बहुत ही निंदनीय घटना है। अगर अभी होश में ही नहीं आते हैं, मुख्यमंत्री का पद में रहने के बाद अपना गरिमा को भूल गए हैं, इनको छुट्टी पर उनके घर में बैठना चाहिए। अगर अभी होश में नहीं आएंगे तो आगे भी आंदोलन इस तरह का जारी रहेगा और हम लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि महिलाओं के प्रति इनका सोच बिल्कुल सही नहीं है। जब से भी महिलाओं के लिए, मतलब जब से सरकार बने हैं, केवल पता नहीं महिलाओं से क्या दुश्मनी है, महिलाओं के ही खिलाफ सारा काम कर रहे हैं और इतना गंदा, मतलब निंदनीय घटना हो रहा है कि बच्ची लोग के पास भी अगर रेप का कारण हो रहा है कि रेप भी हो रहा है और मार भी दिया जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और देख ही रहे हैं चोरी डकैती किस तरह लापरवाही बढ़ रहा है, हर जगह खूनी गोली बारूद सब चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। सीसीटीवी कैमरा होने के बाद, सबूत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग इनके बिल्कुल इनके खिलाफ हैं। हम लोग इस सरकार से खुश नहीं हैं। ये बार बार आवाज़ उठाएंगे कि हेमंत सरकार मुर्दाबाद, हेमंत सरकार आए हैं। हम लोग अगर इस तरह का काम नहीं होता है तो फिर आगे आगे बढ़ चढ़ करके हम लोग आंदोलन करेंगे और बस इतना ही करेंगे। मेरा नाम बॉबी पांडे है, धनबाद से हैं, भाजपा नेत्री हैं। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।